एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हाउस ऑफ कलाकृति। गाइस, आज का जो वीडियो है वो है मेरा किचन के ऊपर, बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है क्योंकि मैं इसके अंदर किचन के तीन अलग अलग तरीकों से आपको दिखाने वाली हूँ। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको दिखाऊंगी अपने किचन आइटम्स, सेकंड मैं आपको दिखाऊंगी किचन के डेकोर के स्टाफ जो मैंने लिया है, एंड द थर्ड वन इज ऑल अबाउट माय किचन ऑर्गेनाइजर्स। यस गाइस, तो आई हैव परचेज लेटेस्ट किचन ऑर्गेनाइजर्स। मेरी जो फर्स्ट किचन काउंटर ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो थी उसमें बहुत सारे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था कि इसके लिंक शेयर कीजिए, ये लिंक शेयर नहीं है, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है। तो मैंने इस चीज़ को सोचते हुए सारी किचन के प्रोडक्ट्स को कंबाइन करके एक वीडियो बनाई है, जिसके अंदर जो भी लिंक्स हैं, प्रोडक्ट्स जो मैंने खरीदे हैं, वो सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपसे शेयर करूंगी। सो गाइज, विदाउट डिलेइंग फर्दर, लेट्स बिगिन विद माई फर्स्ट किचन आइटम। सो मैंने जो लिया है, मेरे को किचन मग्स का, मतलब मुझे सॉरी मुझे कॉफ़ी मग्स का, टी मग्स का, मिल्क मग्स का बहुत शौक है, तो मैंने थोड़े अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो लेट्स बिगिन विद माई फर्स्ट आइटम। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा टी कॉफी मग भी बोल सकते हैं, मैं इसमें मिल्क लेती हूँ जनरली। तो ये मैंने दो का सेट लिया है, येलो एंड ब्लू, लाइक दिस। इस पे टैगलाइन भी बड़ी क्यूट थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये ब्रांड है JCPL सेरामिक प्रोडक्ट, ये सेट ऑफ टू है, ये मैंने लिए हैं 458 रुपीज़ के, जो करंट प्राइस है। प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है अमेज़ॉन पे, तो इट डजंट मीन कि अगर मुझे 458 का मिला है तो आपको हो सकता है और कम का मिल जाए, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा का भी मिल जाए। सो करंट प्राइस जो अभी इसका चल रहा है वो 458 का है, और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 350 ml, तो काफ़ी अच्छी क्वांटिटी के अंदर इसका मिल्क आ जाता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, अंदर से ये वाइट है, बाहर से इसका सर्फेस येलो है, और जो इसका ऊपर का जो सर्फेस है वो काफ़ी थिन है, तो और काफ़ी लाइट वेट में है, तो इट इज़ वेरी इजी टू होल्ड एंड इट लुक्स वेरी क्यूट ऑल्सो। सो नेक्स्ट, अगेन मैंने मिल्क मग्स लिए हैं, ये मैंने पॉट शेप में लिए हैं, और ये आप देख सकते हो ये इस तरीके के हैं। ये भी सेट ऑफ टू लिया है मैंने, ये है मेरा 400 के। ये जो कलर है ये डार्क कॉफी ब्राउन कलर आता है, दो कलर का इसमें मिक्सचर है, लाइट ब्राउन एंड डार्क ब्राउन, इस तरीके का शेप है। इसमें 350 ml आता है मिल्क, एंड दिस इज ऑल्सो वेरी नाइस। ऑब्वियसली ये सेरामिक का है तो हल्का सा हैवी है। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये मेरा है कॉफी मग विद लिड। ये 400 ml का कैपेसिटी के साथ ये मग है, और इट्स वाइट इन कलर, और ये आपको मिलेगा 350 rupees का। ये काफ़ी मुझे इकोनॉमिकल लगा, एंड प्लस यू ऑल्सो गेट अ लॉन्ग स्पून इन दैट, आई गेस वो मैंने अभी मैं लाना भूल गई हूँ, तो देर इज़ अ लॉन्ग स्पून ऑल्सो। मैं आपको PIP में शो कर देती हूँ कि कैसे वो आपको मिलेगा, स्पून कैसा दिखता है देखने के अंदर, तो यू कैन सी इसका जो स्पून है, और ये कॉफी मग है। पूरा सेट ही मुझे विद वुडन लिड मिला 350 rupees का, क्वाइट चीप। एंड माय नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अगेन मिल्क मग्स, ये रेड ब्लैक कलर के अंदर है। ये भी जो शेप है मुझे बहुत अच्छी लगी, इट्स अ डिफरेंट शेप, एंड इसमें जो कैपेसिटी है इट इज 350 ml वॉल्यूम है इसका, और इसका जो प्राइस है ये भी 500 rupees का मुझे दोनों मग्स का सेट मिला है। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रोडक्ट है ये मैंने ये मैंने सेरामिक का जार लिया है इस तरीके से। ये बहुत ही सुंदर लगते हैं किचन के अंदर रखे हुए भी। ये मैंने सेट ऑफ टू लिया है, इसके अंदर मैंने स्पेशली यूज़ करा है इसको अपने वुडन स्पैचुलास रखने को और किचन नाइव्स और ये सब स्टोर करने के लिए, तो मुझे ये उस हिसाब से बहुत अच्छा लगा। प्लस अगर आपको अचार भी स्टोर करना है तो आप वो भी स्टोर कर सकते हो, और अगर कोई ड्राई स्पाइस अगर आपको रखना है किचन के अंदर तो आप उसमें ये भी वो भी स्टोर कर सकते हो। तो इसका सेट ऑफ टू आए हैं ये सेरामिक जार्स, ये मुझे पड़े हैं ऑलमोस्ट 369 rupees के, एंड इसका जो कैपेसिटी है वो है 1000 ml, सो इट्स क्वाइट गुड एंड क्वाइट ब्यूटिफुल। सो गाइस, मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये मैंने पिकल स्टोर करने के लिए, ऐसे तीन आपको सेट में मिलते हैं, इस पर लिखा हुआ रहता है मिक्स अचार चटनी, और एक पे लिखा होता है सिर्फ नॉर्मल अचार, तो मुझे बहुत क्यूट लगे ये, मेरे को ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं पड़े। ये तीन का जो सेट पड़ा है अमेजोन पर मुझे 350 rupees का पड़ा। आप इसको डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो सेंटर के अंदर, और काफ़ी हैंडी है, बहुत इजी है और बहुत कन्वीनियंट है ये कंटेनर्स। गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये वुडन स्पैचुलास। ये जो मेरे वुडन स्पैचुलास हैं इनको जैसे ये है मेरा डोसा टर्नर, ये मेरा फ्राइंग में यूज़ होता है, एंड दिस इज बटर स्पून। तो ये जो मुझे तीनों का जो सेट मिला है ये मुझे मिला है अराउंड
₹250 का, तो ये बहुत ही इकोनॉमिकल है। इसके अंदर आपको अलग अलग प्राइसेस भी मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी मिलेगी, तो ये बहुत ही नॉर्मल है। कोई इतना, मैं ये नहीं बोलूँगी कि इसकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा ग्लॉसी है, इट इज़ वेरी रॉ, बिल्कुल रॉ उसके अंदर मटेरियल के अंदर बना हुआ है। और अगर आप कुछ चीप टाइप में ढूंढ रहे हो तो इट इज़ क्वाइट गुड, इन 250 यू गेट 3 वुडन स्पैचुलास लाइक दिस। सो गाइज, माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस वुडन चॉपिंग बोर्ड। ये जो मटीरियल है ये रोज वुड मटीरियल का बना हुआ है। इट इज सर्कुलर इन शेप एंड क्वाइट बिग इनफ। यहाँ पे इनफैक्ट एक होल भी है तो आप इसको हैंग भी कर सकते हो, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और इसका प्राइस भी अगर मैं कंपेयर करती बाकी प्रोडक्ट्स के साथ, वुडन चॉपिंग बोर्ड जो हमें मिलते हैं ब्रांडेड शॉप्स के ऊपर, तो उसके हिसाब से मुझे बहुत सही पड़ा ये। इट वॉज अराउंड ₹400 दिस वुडन चॉपिंग बोर्ड। सो गाइज, माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस कोकोनट ओपन। ये मैंने इसका शॉट भी डाला हुआ है, ये कैसे यूज करते हैं आप उस शॉट में देख सकते हो। ये बेसिकली बहुत शार्प है आगे का जो है, बट ये ऐसा इतना शार्प नहीं है कि आपकी फिंगर कट हो जाए। तो आपको सिर्फ इसको कोकोनट के सेंटर में डालना होता है, इसको सर्कुलर मोशन में मूव करवाना होता है और धीरे धीरे करके ये जाता है डीप ऑब्वियसली कोकोनट के अंदर और वहां पर होल हो जाता है एंड यू कैन हैव अ सिप फ्रॉम योर कोकोनट। एंड डेफिनेटली जो ये मटेरियल बना हुआ है ये है स्टेनलेस स्टील का और जो इसका ग्रिप है वो बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हो। तो इट इज क्वाइट कन्वीनियंट टू यूज दिस काइंड ऑफ कोकोनट ओपनर। और इसका प्राइस भी कुछ ज्यादा महंगा नहीं है, ये इट इज जस्ट ₹330। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, कन्वीनियंट लगा यूज करने के लिए। एंड इसके साथ गाइस मेरे किचन आइटम्स होते हैं खत्म एंड नाउ आई विल शो यू माय किचन डेकोर स्टफ जो मैंने लिया है। जो मैं आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट दिखाने जा रही हूँ वो है मेरा ये किचन डेकोर आइटम का फर्स्ट पीस। इस पे लिखा हुआ है मॉम्स किचन। इसका डायमेंशन है 8.5x11 इंच और ये काफ़ी अच्छा मटेरियल का है, आराम से हैंग हो जाता है। और ये मुझे पड़ा है कुछ ₹300 का, इस तरीके का है ये एंड इट इज़ क्वाइट ब्यूटिफुल। इसकी कलर्स काफ़ी वाइब्रेंट है और ये जो है मटेरियल मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इस तरीके से आप बैक साइड से देख सकते हो, वुडन का पूरा लुक देता है ये। तो सो गाइज, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये किचन रूल्स कार्डबोर्ड। ये भी इसके अंदर आपको बहुत सारे वेरिएशन मिल जाएंगे, आप बहुत आराम से कोई भी ले सकते हो। मुझे ये अच्छा लगा इसकी, मुझे ऑब्वियसली मुझे इसका कोड बहुत पसंद आया तो मैंने ये वाला चूज़ किया। और ये है 8x12 इंच और ये ₹290 का ही पड़ा। तो लगभग जो भी अगर आपको इस तरीके के किचन डेकोर के स्टाफ लेना है तो रेंज इसी तरह का है, 250 से लेके 450 तक आपको अलग अलग तरीके के वॉल हैंगिंग्स मिल जाएंगे किचन के लिए। सो इट इज़ क्वाइट गुड, आप अपने डोर पे भी लगा सकते हो, किचन डोर पे, एंट्रेंस पे और किचन के अंदर भी आप लगा सकते हो। तो यू कैन सी कि मैंने कैसे लगाया। डिफरेंट तरीके के किचन ऑर्गेनाइजर्स लिए हुए हैं बिकॉज मैंने ऑलरेडी ड्रिल करवा दिया है अपनी वॉल पे, तो मैंने उनको ऑलरेडी इंस्टॉल करवा दिया है। तो फर्स्ट किचन ऑर्गेनाइजर है ये है वॉल माउंटेड शेल्फ। ये 4 शेल्फ में आप इसको यूज कर सकते हो और काफी मल्टीपर्पज है, काफी चीजें आप स्टोर करके रख सकते हो। मैंने पर्सनली यूज किया हुआ, जैसे टॉप वाला जो है मैंने उसको उस पर कुछ आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, प्लांट्स रखे हुए हैं तो काफी ब्यूटिफाई करता है। जो उसके बाद का जो शेल्फ है उस पर मैंने मग्स रखे हुए हैं और सेकेंड शेल्फ के ऊपर मैंने उसके ऊपर अपना कॉफी, ब्रेड, नुटेला, इस तरीके का स्टफ रखा हुआ है। एंड दिस जो मैंने अभी खरीदा है एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इट लुक वेरी नाइस, ये जो अचार की छोटी छोटी बर्नी रखी है मैंने उसी के अंदर रख दिया है। इससे आपकी किचन बहुत सुंदर भी लगती है। ये पूरा शेल्फ है, ये आपका पूरा डेकोर का भी काम करता है। सेकेंड, ये आपको ऑर्गेनाइजर भी बहुत ही अमेजिंग है। और जो क्वालिटी है ये है इंजीनियरिंग वुड का बना हुआ है और इसमें आपको 3 कलर के वेरिएशन मिलेंगे, ब्लैक, व्हाइट एंड ओक कलर। मैंने ओक कलर लिया हुआ है और इसके अंदर आपको जो प्राइस पड़ा है ये मुझे पड़ा है ₹1000 का ये पूरा प्रोडक्ट। और इसके पीछे आपको नेल्स मिलते हैं, वो आपको ड्रिल करवाना होगा, सब कुछ इसके साथ आता है, आपको सिर्फ कारपेंटर को बुला के ड्रिलिंग करवाना है। सो गाइस, जो मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है वो भी एक वॉल माउंटेड शेल्फ है। मैंने ये इंडिविजुअली भी आप ले सकते हो ये शेल्फ, मैंने 3 शेल्फ लिए हैं तो ये मुझे पड़े हैं लगभग ₹750 के 3 शेल्फ। मैंने तीनों शेल्फ को इस तरीके से यूज करा है कि डेफिनेटली मेरा जो स्पेस सेविंग है किचन का वो रहे, क्योंकि किचन मेरी बहुत छोटी है तो आई डोंट वॉन्ट कि मेरा बहुत सारा सामान प्लेटफॉर्म पे रहे, तो मैंने कुछ चीज़ें वॉल पे हैंग कर दी है। तो ये बहुत ही अच्छा है, क्वालिटी इसका मेटल का बना हुआ है ये
4x5 inch का है ये इसका डायमेंशन। जैसे मैंने आप देख सकते हो फर्स्ट जो मैंने लिया है उसके अंदर मैंने अपना कुछ यूटेंसिल्स रखे हुए हैं, प्लस मैंने अपना मग रखा हुआ है, एक आर्टिफैक्ट रखा हुआ है। सेकेंड शेल्फ के ऊपर मैंने अपने ऑयल कंटेनर्स रखे हुए हैं, तो सारे जितने भी मैं ऑयल और घी यूज़ करती हूँ वो सारा कुछ उसमें एक ही शेल्फ पे आ गया, तो बहुत ईजी और कन्वीनियंट रहता है मुझे वहाँ से निकालना। एंड जो थर्ड वाला जो शेल्फ है वो मैंने ड्रिंकिंग ग्लासेस के लिए रखा है, तो मैंने उसको वहाँ पर हैंग किया जहाँ पर डायरेक्ट आरओ है, कि मैंने वहीं से डायरेक्ट अपना ग्लास लिया ना पोर द वाटर। सो इस तरीके से मैंने अपनी ऑर्गेनाइज किया है अपने तीनों शेल्फ्स को अलग अलग जगह पे। सो गाइज, दिस इज माई नेक्स्ट प्रोडक्ट, दिस इज मल्टी फंक्शनल अंडर द कैबिनेट कप होल्डर। बेसिकली ये यहाँ से मेटल का बना हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी रगेड है। इसको मैं यूज़ कर रही हूँ इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ईयर और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कोई क्रैक का नहीं प्रॉब्लम आया, कुछ नहीं प्रॉब्लम आया, अच्छे मटेरियल का ये बना हुआ है। एंड अगर आपके कप्स जैसे ये, जैसे मेरे बड़े मग्स हैं तो आई कैन नॉट कीप एक के बाद, तो मुझे डेफिनेटली डिस्टेंस रख के रख करना पड़ेगा। इस तरीके से मग्स मैं होल्ड करके रख सकती हूँ। अगर आपके छोटे चाय के मग्स हैं या छोटे कॉफ़ी के मग्स हैं तो आप बड़े आराम से सारी जगह रख सकते हो, इसके सारे यूज़ कर सकते हो हुक्स। अदरवाइज अगर आपके बड़े मग्स हैं तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि ऑल्टरनेटिव पोजिशंस पे आप इसको रख सकते हो। तो ये जो मुझे एक पड़ा है इट कॉस्ट मी अराउंड 250 रुपीज़। तो माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, इट इज़ कॉल्ड एज प्लास्टिक कबर्ड किचन स्पेस ऑर्गेनाइजर। इट इज 3 स्टेप्स और ये मैंने सेट ऑफ 2 लिया था, तो ये मुझे पड़ा था 800 का। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस किचन ऑर्गेनाइजर, ये आप अपने रैक पे रख सकते हो और आप आगे, मतलब अगर आपके पास बड़ी बॉटल्स हैं या एक साइज की बॉटल्स हैं, तो अगर हम सिंपल स्ट्रेट वे कबर्ड में रखते हैं तो हमें नहीं दिखता कि पीछे के कौन से आइटम्स हैं, और डेफिनेटली उठाते हुए कुछ चीज़ें गिर जाती हैं हमारे हाथ से। तो उसके लिए बेस्ट है इस तरीके का, आप 3 स्टेप्स का रैक लो जहाँ पे आप आगे थोड़े छोटे आइटम, फिर उससे बड़े और फिर उससे बड़े, या इक्वल साइज के भी अगर आपके आइटम्स हों, आप अपने कंटेनर्स छोटे ग्लास बॉटल्स वाली चीज़ें अगर आपको रखना है तो आप बहुत ईजिली रख सकते हो। और इसमें आपको डिस्प्ले बहुत अच्छा होता है, सामने दिखती है आपको चीज़, आप देख सकते हो कि कैसे आपको एक एक प्रोडक्ट दिख रहा है कि कैसे रखा गया है, तो ऑर्गेनाइजेशन इसकी बहुत ही अमेजिंग है। माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग वन बिकॉज इट इज दिस। आप सोच रहे हो क्या है, कुछ लोगों ने सोच भी लिया होगा कि क्या है ये, तो दिस इज बेसिकली, इट इज कॉल्ड एज क्लिपर नियो lighter, which is basically, which is a flame lighter. Yeah, it is a Neo flame lighter. You get a refill also. तो ये बहुत ही amazing है, ये आप gas के लिए भी use कर सकते हो जलाने के लिए lighter की तरह, और आप इसको use कर सकते हो candles जलाने के लिए, दिए जलाने के लिए, और like this it goes. Okay, sorry. यहाँ पे इसका button है, it is like this. You have to turn it on from here and then just. So it is very good. I really like this product क्योंकि मुझे candles चलाना अच्छा लगता है घर के अंदर evening में, और मेरे को matchsticks मेरे को बिल्कुल सही में बिल्कुल नहीं चलाना आता। मैं जितनी matchstick जलाती हूँ आधे से ज़्यादा matchsticks मेरी तो खराब हो जाती हैं, और मेरे matchbox ऐसे ही आते रहते क्योंकि मुझे seriously मैं सीखने की भी कोशिश करती हूँ तभी मुझसे नहीं होता। तो मैंने finally मुझ जैसे लोगों के लिए ये बना है और ये हम जैसे लोगों को यूज़ करना चाहिए। तो और जो इसका प्राइस है वो है 370 रुपीज़ का, तो इट्स क्वाइट गुड क्योंकि आपको साथ में एक रिफिल भी आता है। तो अभी मैं इसको यूज़ कर रही हूँ तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये कितना टाइम तक चलेगा, आपके ऊपर है कि आप कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल अबाउट इट। इसी के साथ गाइस, इसके साथ होती है मेरी वीडियो ख़त्म, और हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। और जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो मुझे फर्स्ट टाइम सब देख रहे हैं इस चैनल के थ्रू, तो गाइस इस तरीके के मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस लेकर आऊँगी। और अगर आप मुझे पसंद कर रहे हैं और आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस लाइक का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए और मैक्सिमम शेयर करने की कोशिश कीजिए। सो सिंपल राइट? तो इसके बाद मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। सो बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, लव यू ऑल।